हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन माय चैनल। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्वेट शर्ट्स का कलेक्शन। तो आज मेरे पास टोटल 7 लुक्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड जो स्वेट शर्ट्स मैंने पिक की हैं वो मैंने इस तरह की पिक की हैं जिनको आप जीन्स के साथ भी कैरी कर सकती हैं, एंड कुछ जिप वाली भी हैं जिनको अगर आप सिर्फ कुर्तियां या कुर्ता सेट्स कैरी करती हैं तो उसके ऊपर से भी स्टाइल कर सकती हैं। और आज का पूरा ही कलेक्शन मैंने लिया है मिंत्रा से। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो 500 से लेकर 700 के अराउंड आपको सभी का प्राइस मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हॉल होने वाला है आज का। एंड जो लोग इस कुर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी हॉल वीडियो या तो लाइव हो चुका होगा या फिर इस वाले वीडियो के बाद लाइव हो जाएगा। तो उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो लाइव नहीं हुआ होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत ही प्यारे से पार्टी वियर कुर्ते मैंने वेलवेट के ऑर्डर किए हैं, बहुत प्यारा कलेक्शन है, उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो पीस है वो मैंने लिया है ग्रे कलर में, और इसका जो मटेरियल दिया हुआ है वो थोड़ा थिक फैब्रिक है। तो इस तरह का फैब्रिक नहीं है जो बहुत ज्यादा सर्दी में आप इसको कैरी कर पाए। हाँ, लेयरिंग में आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकती हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो इसके साथ अंदर वार्मर वगैरह वियर करके। बाकी अभी वाली जो सर्दी है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। नेकलाइन इसकी बहुत ही शॉर्ट दी हुई है तो बिल्कुल ऊपर तक आई जब मैंने इसको कैरी किया था, तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। बाकी आपको इसमें इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी फ्रंट पर, बैक साइड कंप्लीट आपको प्लेन मिलेगी। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट दिया हुआ है इसका, और नीचे की तरफ फिटिंग के लिए इस तरह का आपको इलास्टिकेटेड बैंड वाला जो डिजाइन होता है इस तरह का मिल जाएगा। तो ऑल ओवर लुक काफी अच्छा है। एंड मैंने इसको लिया है एल साइज में, तो आप देख सकती हैं मुझे कितना लूज आया। एक्चुअली विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं आई थिंक थोड़ा सा लूज साइड पर हम उनको रखें तो लेयरिंग करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ पीस ऑर्डर किए हैं मीडियम में और कुछ पीस ऑर्डर किए हैं लार्ज साइज में। तो ये वाला जो पीस है मैंने एक साइज प्लस बाय किया है, तो आप इसकी फिटिंग देख सकती हैं किस तरह की है। ये वाला पीस जो है वो मीडियम में भी मुझे फिट आ जाता। तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप इसमें अपना 2 साइज ही बाय कीजिएगा। बाकी अगर आपको थोड़ी लूजिंग चाहिए तो आप 1 साइज अप कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक इस तरह की जिपर वाली जो जैकेट स्टाइल की स्वेट शर्ट। तो इस तरह का इसका लुक है। फ्रंट पर आपको इसमें जिप मिल जाएगी, तो पूरी ओपनेबल जिप है। और बाकी ये नेवी ब्लू कलर में ऑल ओवर प्लेन आपको मिलेगी। फ्रंट बैक इस तरह का है, एंड यहाँ पर जो डिजाइनिंग दी हुई है ये काफी सुंदर सी लगती है इस तरह की पीसेज में। तो यहाँ व्हाइट कलर का फैब्रिक अटैच किया हुआ है, ये प्रिंट नहीं है, फैब्रिक अटैच किया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको इस तरह से ये वाला फैब्रिक अटैच मिल जाएगा। स्लीव्स पर आपको इसमें मिलेगी इलास्टिक, बहुत कंफर्टेबल इलास्टिक का फिट था। एंड फैब्रिक इसका भी कुछ इस तरह का है जैसा लास्ट पीस का था, तो बहुत ज्यादा ठंड के लिए नहीं है। बाकी आप इसको डेफिनेटली लेयरिंग के लिए यूज कर सकती हैं, एंड ये तो जैकेट की तरह से कैरी हो जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं। वैसे बहुत ही प्यारा पीस है, बट ये वाला जो पीस है ये थोड़ा बैगी स्टाइल में था, एंड मैंने इसको परचेज कर लिया एल साइज में। तो आप ट्राई ऑन में देख सकती हैं मुझे काफी ज्यादा लूज आया, तो आप इसमें अपना 2 साइज ही बाय कीजिएगा। बाकी अगर आपको बिल्कुल फिटेड चाहिए तो आप 1 साइज स्मॉल भी बाय कर सकती हैं। बाकी 2 साइज में जो बैगी स्टाइल का इसका लुक है उस तरह का लुक आएगा। नेक्स्ट जो है वो मैंने ली है रेड कलर की स्वेट शर्ट। नेकलाइन इसकी दी हुई है बहुत ही शॉर्ट, फ्रंट बैक राउंड, और फ्रंट पर आपको इस तरह का इसमें प्रिंटिंग मिल जाएगी। तो एक तो इसका रेड कलर है और इसका जो फ्रंट का प्रिंट टाइप का जो बनाया हुआ है वो भी क्रिसमस इंस्पायर्ड है, तो आप उस सीजन में डेफिनेटली इसको कैरी कर सकती हैं। स्लीव्स आपको इस तरह की मिलेंगी, यहाँ पर फिटेड इस तरह का आपको पैटर्न मिल जाएगा, और नीचे की तरफ से भी आपको इसी तरह का इलास्टिकेटेड बैंड मिल जाएगा। तो बैक साइड से कंप्लीट प्लेन है। लेंथ इसकी आप देख सकती हैं, मेरी हाइट 5'2" है, तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज्यादा लाइक क्रॉप भी नहीं है और बहुत लॉन्ग लेंथ भी नहीं है, मीडियम साइज की इसकी आपको लेंथ मिलेगी। बाकी नीचे से इस तरह का फिटेड पैटर्न है, तो इसको अंदर की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से भी कैरी किया जा सकता है, वो भी काफी अच्छा लगता है। तो मैंने एक स्वेट शर्ट को इस तरह से स्टाइल किया था, काफी सुंदर लुक लग रहा था। और मटेरियल की इसकी बात करूं मैं तो इसका भी थोड़ा सा आपको थिन मिलेगा फैब्रिक, जो कि इस वेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट जो है मैंने एक ली है क्रॉप स्टाइल की फ्लीस वाली जैकेट। तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा फैब्रिक इसका दिया हुआ है, लुक बहुत ही सुंदर है इसका, लाइक बहुत क्यूट सा लुक है इसका, बैगी स्टाइल में ऑल ओवर इसका लुक है। और फ्लीस जो है वो आप देख ही सकते हैं काफी ही अच्छी क्वालिटी की है। फ्रंट पर आपको यहाँ मिल जाएगी इस तरह की पॉकेट्स की
डिटेलिंग और नीचे की तरफ इसमें दी हुई है इलास्टिक, तो इससे फिटेड आएगी ये नीचे से, तो बैगी स्टाइल में है तो बहुत ज्यादा ऐसा लूज लूज वाला लुक नहीं आएगा। स्लीव्स इसकी है लाइक जो बैगी स्टाइल है, तो यहाँ पर जो शोल्डर का कट बनाया हुआ है वो काफी नीचे से बनाया हुआ है और इस तरह का आपको यहाँ पर पैटर्न मिलेगा। इसमें फ्रंट पर अटैच की हुई है जिप, तो आप इसको हाई नेक की तरह से भी यूज कर सकती हैं, बाकी आप इसको एज अ कॉलर वाला जो स्टाइल होता है उस तरह से भी कैरी कर सकती हैं, तो दोनों ही तरह से ये अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत प्यारा लगा वियर करने के बाद और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, मैंने इसका एक साइज प्लस बाय किया था, तो मैंने ये लिया है एल साइज में और फिटिंग आप देख सकती हैं मुझे कैसी आ रही है, तो काफी लूज लूज फिट था। तो अगर आपको फिटेड चाहिए तो अपना ट्रू साइज ही बाय कीजिएगा, बाकी अगर आपको लूज फिटिंग चाहिए प्रॉपर बैगी स्टाइल तो आप एक साइज अप भी बाय कर सकती हैं। और आई डोंट नो मैंने रेड वाले का आपको बताया या नहीं बताया, इसको मैंने परचेज किया है अपने ट्रू साइज में, तो मैंने इसमें लिया हुआ है साइज मीडियम और फिटिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप कंपैरिजन कर सकती हैं। जो फर्स्ट वाला पीस मैंने आपको दिखाया था ग्रे वाला, तो ये वाला था एल में, तो एक साइज मैंने प्लस लिया था इसमें, तो इसकी फिटिंग भी आप देख सकती हैं, और ये मैंने ट्रू साइज में बाय किया है तो इसकी फिटिंग भी आप देख सकती हैं। तो जिस भी टाइप की आपको फिटिंग चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग साइज बाय कर सकती हैं। ये वाला जो पीस है ये मैंने लिया है रस्ट ऑरेंज कलर में, तो लास्ट ईयर से रस्ट ऑरेंज कलर काफी इन है, टी शर्ट्स में भी एंड जैकेट्स वगैरह में काफी अच्छा लगता है मुझे ये वाला कलर। तो इस तरह का मैंने एक ये जैकेट स्टाइल की स्वेट शर्ट ली है, इसके साथ आपको मिल जाएगी हुडी भी। तो यहाँ पर जो कैप का साइज है काफी बड़ा दिया हुआ है और जो इसमें फैब्रिक यूज किया हुआ है वो दो तीन लेयरिंग में है, तो आप बहुत ज्यादा सर्दी में भी इसको कैरी करेंगी तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और फैब्रिक भी जो इसका दिया हुआ है वो काफी थिक है, फ्रंट पर आपको इस तरह से जिप की ओपनिंग मिलेगी, तो कंप्लीट फ्रंट से ओपन हो जाएगा ये, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी साइड में इस तरह की पॉकेट, तो दोनों ही साइड पर पॉकेट दी हुई है। और जो इसका फैब्रिक है वो मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ, तो इस तरह का प्रॉपर फ्लीस वाला रुए वाला जो फैब्रिक होता है वो वाला फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा और थिक फैब्रिक दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप ये वाला पीस बहुत ज्यादा सर्दी में यूज कर सकती हैं, एंड कहीं आप बहुत ज्यादा सर्दी वाली जगह पर जाने वाली हैं तो लेयरिंग में भी इसको यूज कर सकती हैं एज अ जैकेट, तो काफी वार्म और कोजी रखेगा, और आप इसको डायरेक्टली अपनी स्किन पर भी कैरी करेंगी तो भी बिल्कुल इरिटेट नहीं करने वाला है, बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक दिया हुआ है। बाकी स्लीव्स आपको मिलेंगी इसके इस तरह की, यहाँ इलास्टिकेटेड इस तरह का बैंड आपको मिल जाएगा, तो ऑल ओवर लुक आप इसका देख सकती हैं, फ्रंट बैक ऑल ओवर आपको प्लेन मिलेगा। तो अगर आपको पसंद है आप डेफिनेटली ये वाला पीस बाय कर सकती हैं, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है इसकी, एंड इसको मैंने लिया है रोडस्टर ब्रांड से, और जो मैंने पहले पीसेज आपको दिखाए थे मोस्टली सारे ही मैंने लिए थे ससफ्रास ब्रांड से, और एक ये वाला जो पीस था ये मैंने परचेज किया था मास्ट एंड हार्बर ब्रांड से, तो इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी थी। नेक्स्ट जो है ये वाला पीस भी मैंने लिया है ससफ्रास ब्रांड से, एंड ब्लैक कलर में काफी ही प्यारी सी स्वेट शर्ट है ये वाली भी, और फैब्रिक इसका भी काफी थिक दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छी वाली जो ठंड होती है उसमें कैरी कर सकती है। इसी तरह का आपको फ्लीस वाला और रुए वाला इस तरह का फैब्रिक मिलेगा, नेकलाइन राउंड दी हुई है पूरी ही, ऊपर तक क्लोज नेकलाइन आएगी, और इसमें बहुत ही सुंदर सी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी गोल्डन कलर से बटरफ्लाई की, तो इससे काफी अच्छा सा लुक दे रही है ये, लाइक आप किसी पार्टी फंक्शन में भी अगर कैरी करना चाहें तो कर सकती हैं, अच्छी लगेगी। स्लीव्स आपको मिलेंगी फुल, एंड यहाँ पर अगेन आपको मिल जाएगी फिटेड वाली स्लीव्स का पैटर्न, फ्रंट बैक ऑल ओवर इस तरह की है, बाकी आपको ट्रायन में ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका लुक। और साइज मैंने इसमें लिया हुआ है मीडियम, तो फिटिंग आप देख सकती हैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है, तो आप अपना ट्रू साइज बाय कर सकती हैं। तो यही था आज का मेरा कलेक्शन, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफी अफोर्डेबल एंड यूजफुल सा कलेक्शन है, बाइंग लिंक सभी मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इन सभी की शॉपिंग कर सकती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग कलेक्शन के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।